हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करेंगे वो 2016 में आई कोरियन मूवी ट्रेन टू भुसान है। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखा जाता है जो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है, तभी उसका फोन बजने लगता है। वो जैसे ही अपना फोन उठाने लगता है तो उसकी नज़र रास्ते से हट जाती है और उसकी गाड़ी एक हिरण के ऊपर चढ़ जाती है। वो जब नीचे उतर कर देखता है तो वो हिरण मर चुकी होती है। वो ये देख कर वहाँ से भाग जाता है। उसके जाते ही वो हिरण उठ कर खड़ी हो जाती है और उसकी आंखों का कलर भी बदल जाता है। अगले सीन में हम सैम नाम के आदमी को देखते हैं। सैम एक फंड मैनेजर है। उसका उसकी पत्नी के साथ डिवोर्स होने वाला है और सैम अब अपनी बेटी सुजन के साथ रहता है। आज सैम की बेटी का बर्थडे है, इसीलिए सैम सुजन के लिए गिफ्ट लेकर आता है। मगर सुजन को वो गिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही गिफ्ट सैम ने सुजन को उसके पिछले बर्थडे पे भी दिया था। सैम सुजन से पूछता है कि अच्छा बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। सुजन उसे कहती है कि मुझे मम्मी से मिलने भुसान जाना है। सैम सुजन से कहता है कि बेटा इस हफ्ते मुझे बहुत काम है, हम अगले हफ्ते जरूर मिलने जाएंगे। सुजन उदास हो जाती है। सैम वहां से अपने कमरे में आ जाता है। सैम की माँ सैम से कहती है कि सुजन आजकल बहुत अपसेट रहती है, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। ये सुनकर सैम उसी रात सुजन को लेकर भुसान के लिए निकल पड़ता है और रेलवे स्टेशन पर आ जाता है। जिस ट्रेन से सैम भुसान जाने वाला था उस ट्रेन में एक कॉलेज की बेसबॉल टीम भी होती है। उस टीम के पास एक लड़की आती है जिसका नाम जेनी है। जेनी उस टीम के एक लड़के से प्यार करती है जिसका नाम शांग है। पूरी टीम शांग को चिढ़ाने लगती है। ट्रेन बस चलने वाली होती है तभी एक जख्मी लड़की उसके अंदर घुस जाती है। ट्रेन वहां से रवाना होने लगती है। सुजन बाहर देखती है कि लोग आपस में लड़ रहे हैं। वो ये बात अपने डैड को बताना चाहती है मगर सैम सो चुका होता है। सुजन वॉशरूम जाने लगती है मगर उस वॉशरूम में स्टुअर्ट की पत्नी सैली होती है। स्टुअर्ट सुजन से अगला वॉशरूम यूज करने को कहता है। फिर हम उस जख्मी लड़के को देखते हैं जिसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। उसे देखकर ट्रेन की अटेंडेंट उसके पास आती है और देखते ही देखते वो जख्मी लड़की एक जोम्बी में बदल जाती है और उस अटेंडेंट को काट लेती है। और कुछ देर बाद वो अटेंडेंट भी एक जोम्बी बन जाती है और फिर एक के बाद एक पूरी बोगी इन्फेक्टेड हो जाती है। लोगों के चीखने की आवाज सुनकर सैम की आंख खुल जाती है। सैम देखता है कि उसकी बेटी वहां नहीं है। सैम अपनी बेटी को देखने जाता है तो वो देखता है कि सामने से बहुत सारे जोम्बी उसकी बेटी की तरफ आ रहे थे। सैम जल्दी से सुजन को उठाकर अगली बोगी में आ जाता है। स्टुअर्ट और सैली भी उन जोम्बियों से अपनी जान बचाते हुए अगली बोगी में आ जाते हैं। स्टुअर्ट उस दरवाजे को पकड़कर रखता है। सैम कहता है कि दरवाजा छोड़ दो, ये जोम्बी दरवाजा नहीं खोल सकते। स्टुअर्ट दरवाजा छोड़ देता है। सैम कहता है कि इस दरवाजे को किसी चीज से कवर कर दो, हम इन्हें नहीं दिखेंगे तो ये शांत हो जाएंगे। सैली न्यूज़पेपर से उस दरवाजे को कवर कर देती है और वो जोम्बी शांत हो जाते हैं। तभी ट्रेन का कैप्टन अनाउंसमेंट करता है कि ये ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी। सैम को उसकी माँ का कॉल आता है। वो सैम से कहती है कि सुजन का ख्याल रखना और अचानक उसकी आवाज बदलने लगती है। सैम समझ जाता है कि अब उसकी माँ भी एक जोम्बी में बदल गई है। तभी ट्रेन पर लगे टीवी पर न्यूज आती है कि ये वायरस पूरी कंट्री में फैल चुका है और आसपास के शहरों के लोग जोम्बी बन गए हैं। वहीं ट्रेन एक स्टेशन से गुजर रही होती है। वो लोग देखते हैं कि उस स्टेशन पर लोग एक दूसरे को खाकर जोम्बी बना रहे होते हैं। ट्रेन कुछ देर चलने के बाद कैप्टन दोबारा अनाउंसमेंट करता है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी और बताता है कि आप लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने वहां पर आर्मी भेज दी है। सैम अपने एक दोस्त को कॉल करता है जो कि आर्मी में होता है। दरअसल सैम को ये जानना था कि उस स्टेशन पर वाकई आर्मी है या नहीं। सैम का दोस्त उसे बताता है कि आर्मी वाले तुम्हें स्टेशन पर उतरते ही क्वारंटीन कर देंगे। सैम उसे कहता है कि मेरे साथ मेरी बेटी है, कुछ करो। वो सैम से कहता है कि तुम मेन गेट से मत आना, मेरे आदमी तुम्हें वहां से निकाल लेंगे। जब तक सैम बात करता है सुजन स्टुअर्ट और सैली से घुल मिल जाती है। वो लोग स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि पूरा स्टेशन खाली है। वो लोग ट्रेन से निकलकर बाहर जाने लगते हैं। तभी एक आदमी कैप्टन के पास आकर उसे बताता है कि मैं स्टालिन एक्सप्रेस का सीईओ हूं और मुझे किसी ने बताया है कि डेरेजोन के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं क्योंकि यहां वायरस फैल चुका है। सिर्फ भुसान ही एक ऐसा शहर है जो सेफ है, तो ट्रेन को भुसान ले चलो। उधर वो लोग स्टेशन के अंदर आ जाते हैं। सैम उन सब से अलग जाने लगता है। सुजन सैम से पूछती है कि हम कहां जा रहे हैं। सैम उसे बताता है कि ये सेफ रास्ता है। सुजन कहती है कि फिर तो हमें ये सबको बताना होगा। सैम उसे मना कर देता है। सुजन उदास होकर सैम से कहती है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इसीलिए मम्मी भी आपको छोड़कर चली गई। उधर वो लोग बाहर देखते हैं कि जो आर्मी वाले उन्हें बचाने आए थे वो सब के सब जोम्बी बन गए हैं। वो सब लोग अपनी जान बचाने के लिए वापस ट्रेन की तरफ दौड़ने लगते हैं। एक जोम्बी सुजन पर हमला करने वाला ही होता है। तभी स्टुअर्ट आकर उसे बचा लेता है और सैली सुजन को लेकर वहां से भाग जाती है। वहां बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। स्टुअर्ट सैम और शांग दरवाजा बंद कर लेते हैं। बचे हुए लोग जल्दबाजी में जहां ट्रेन में जगह मिलती है घुस जाते हैं। उधर वो जोम्बी दरवाजा तोड़ देते हैं। सैम स्टुअर्ट और शांग किसी तरह अपनी जान बचाकर एक बोगी में चढ़ जाते हैं। सैली और सुजन के साथ एक लेडी और एक आदमी होता है। सैली देखती है कि वो जिस बोगी में चढ़ी है उसमें बहुत सारे जोम्बी हैं। सैली बहुत चालाकी से अपने साथ अपने
साथियों को एक वॉशरूम में बंद कर लेती है। स्टुअर्ट अपनी पत्नी सैली को कॉल करता है, जहाँ उसे पता लगता है कि वो लोग बोगी नंबर 13 में हैं और मुसीबत में हैं। शांग अपनी दोस्त जेनी को कॉल करता है, जहाँ उसे पता लगता है कि बचे हुए लोग बोगी नंबर 15 में हैं। वो तीनों इस वक्त बोगी नंबर 9 में होते हैं। वो तीनों आगे बढ़ने का फैसला करते हैं और खुद को तैयार कर आगे बढ़ने लगते हैं और एक के बाद एक ज़ॉम्बियों को मारते हुए बोगी को क्रॉस करते चले जाते हैं। जब वो अगली बोगी में आते हैं तो शांग अपने दोस्तों को देखता है जो अब ज़ॉम्बी बन गए थे। शांग अपने दोस्तों पर हाथ नहीं उठाता। स्टुअर्ट उसे कहता है कि तुम हटो और शांग के दोस्तों को मारते हुए आगे बढ़ जाता है। तभी ट्रेन एक टनल से गुजरती है और अंधेरा हो जाता है। अंधेरा होते ही वो ज़ॉम्बी रुक जाते हैं, जहां उन तीनों को पता चलता है कि ज़ॉम्बी अंधेरे में शांत हो जाते हैं और अब बस वो 13 नंबर से एक बोगी पीछे होते हैं। सेम स्टुअर्ट का फोन लेकर 11 नंबर बोगी में फेंक देता है और उस पर कॉल करता है। 12 नंबर में जितने भी ज़ॉम्बी होते हैं वो उस फोन की आवाज सुनकर 11 नंबर में चले जाते हैं और वो तीनों उस वॉशरूम के पास आ जाते हैं। सैली स्टुअर्ट को देखकर रात की सांस लेती है। तभी ट्रेन टनल को क्रॉस कर लेती है और दोबारा ट्रेन में रोशनी हो जाती है। स्टुअर्ट, सैम और शांग जल्दी से अपने आप को एक वॉशरूम में बंद कर लेते हैं। सैम उन्हें बताता है कि अगला टनल 2 मिनट में आएगा, अगर हमने ये मिस कर दिया तो फिर 3 किलोमीटर तक कोई टनल नहीं है। शांग अपनी दोस्त जेनी को मैसेज करता है कि हम आ रहे हैं। वो ये बात वहाँ सबको बताती है, मगर वो लोग जेनी की बातों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लोग भी जरूर इन्फेक्टेड होंगे। तभी अगला टनल आ जाता है और वो लोग जिस जगह पर लगेज रखते हैं वहाँ से होते हुए आगे बढ़ जाते हैं। बाकी सब तो पार हो जाते हैं, मगर सैम और उसके साथ एक आदमी वहीं फंसे रह जाते हैं। स्टुअर्ट दरवाजा खोलकर रखता है और उन्हें अपनी तरफ बुलाता है। वो जैसे ही जाने लगते हैं उस आदमी का पैर एक खाली गैलन पर आ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर ज़ॉम्बी उनकी तरफ दौड़ते हैं। सैम उसे लेकर तेजी से आगे बढ़ता है। स्टुअर्ट दरवाजे को बंद करने लगता है, मगर इस बार दरवाजा लॉक नहीं होता। उधर शांग जेनी को दरवाजा खोलने को कहता है, मगर अंदर उन लोगों ने जेनी का मुंह बंद कर रखा था। शांग उस दरवाजे को तोड़ देता है, मगर सीओ अगले दरवाजे को बंद कर देता है। उधर स्टुअर्ट को एक ज़ॉम्बी काट लेता है। ये देखकर स्टुअर्ट सैम से कहता है कि मेरी सैली का ख्याल रखना और इसे लेकर यहाँ से चले जाओ। सैम उसकी पत्नी को लेकर शांग के पास आ जाता है और सामने वाला दरवाजा खोल देता है। उधर स्टुअर्ट भी अब एक ज़ॉम्बी बन जाता है। सैली के साथ जो बूढ़ी लेडी होती है उसे एक ज़ॉम्बी पकड़ लेता है। अगली बोगी में उस बूढ़ी लेडी की बहन होती है, जिसकी आंखों के सामने उसकी बहन को एक ज़ॉम्बी काट लेता है। सैम सीओ को जोरदार घूंसा लगाता है और कहता है कि अगर तुमने दरवाजा खोल दिया होता तो हम सब बच जाते, मगर वो वहाँ खड़े लोगों को अपनी बातों में फंसा लेता है और उन्हें कहता है कि ये जो अभी आए हैं ये सब के सब इन्फेक्टेड है, इन्हें अगली बोगी में भेजो। वो लोग उन सबको बोगी नंबर 16 में भेज देते हैं। जेनी भी शांग के साथ बोगी नंबर 16 में आ जाती है। बोगी नंबर 15 में जो बूढ़ी लेडी की बहन होती है वो ज़ॉम्बी वाला दरवाजा खोल देती है, क्योंकि वो अपनी बहन की मौत की जिम्मेदार वहाँ पर मौजूद लोगों को समझती है। वो ज़ॉम्बी 15 नंबर बोगी के सारे लोगों को ज़ॉम्बी बना देते हैं और सैम और उसके साथी बच जाते हैं। सैम को उसके दोस्त किम का कॉल आता है। वो सैम को बताता है कि बुसान में आर्मी ने सब कुछ संभाल लिया है और बताता है कि ये वायरस वीएस बोएटिक से फैला है, जिसके सारे शेर हमने बेच दिए थे और इसीलिए उन्होंने वायरस फैला दिया था। ये सुनकर सैम को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो सारे शेर सैम ने ही किम को बेचने को कहा था। उधर कैप्टन देखता है कि उनके रास्ते में एक मालगाड़ी पड़ी है। वो अनाउंसमेंट करता है कि आगे पटरी खराब है, हमें बुसान के लिए दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। मैं बाहर निकलकर दूसरी ट्रेन को इस स्टेशन के लेफ्ट के लास्ट ट्रैक पर लगा रहा हूँ, आप जल्द से जल्द वहाँ पहुँचे। वहीं हम देखते हैं कि 15 नंबर बोगी में 2 आदमी बच गए थे। वो सीओ उस आदमी को उन ज़ॉम्बी के ऊपर फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। कैप्टन को भी एक इंजन मिल जाता है। तभी वो सामने से एक ट्रेन को आते देखता है, जिसमें बहुत भयानक आग लगी हुई थी। वो ट्रेन वहाँ पर खड़ी ट्रेन से टकरा जाती है, जिसकी वजह से सैम और उसके साथियों का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, मगर शांग और जेनी बच जाते हैं। वो वहाँ खड़ी एक ट्रेन के अंदर से दूसरी ओर जाने लगते हैं। तभी वो सीओ वहाँ आ जाता है, उसके पीछे ज़ॉम्बी होते हैं, तो वो अपनी जान बचाने के लिए जेनी को उनके सामने फेंक देता है। वो ज़ॉम्बी जेनी को काट लेते हैं और जेनी भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है, मगर शांग जेनी को छोड़कर नहीं भागता, तो जेनी उसे काट लेती है और शांग भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। तब तक सीओ उस खिड़की को तोड़कर वहां से भाग जाता है और इंजन की तरफ दौड़ने लगता है। कैप्टन उसे बचाने जाता है, लेकिन वो कैप्टन को भी उन ज़ॉम्बियों के सामने फेंक देता है। फिर हम सैम को देखते हैं जो ट्रेन के नीचे होता है। दरअसल ये ट्रेन पूरी नहीं पलटी थी, उस ट्रेन के पास एक और ट्रेन खड़ी थी, तो वो उससे टकराकर आधे में ही रुक जाती है। सैम ट्रेन के नीचे से रास्ता बनाता है और सूजन और सैली को वहां से निकालता है। तभी उस ट्रेन की खिड़की के कांच टूटने लगते हैं और उसमें जितने भी ज़ॉम्बी होते हैं वो सबके सब सैम सूजन और सैली के पीछे लग जाते हैं। सैम सूजन और सैली को लेकर तेजी से इंजन की तरफ दौड़ता है और बड़ी मुश्किल से उस पर चढ़ जाता है। जब सैम इंजन का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सीओ वहां बैठा है, जो कि इन्फेक्टेड है। वो सैम पर हमला करता है, सैम उससे लड़ने लगता है। वो लड़ते लड़ते सैम को काट लेता है। सैम किसी तरह उसे इंजन से नीचे गिरा देता है और इससे पहले कि सैम एक ज़ॉम्बी बनता वो सैली और
सुजन को ये बताता है कि ये इंजन कैसे रुकेगा और वहाँ से जाने लगता है। सुजन सैम को जाने नहीं देती, मगर सैम उन दोनों की जान बचाने के लिए उस इंजन से छलांग लगा देता है। और अब बस सुजन और सैली ही बची थी। वो दोनों भूसान की सरहद पर आ जाती है। सैली देखती है कि आर्मी ने टनल के बाहर बांध लगा रखा है। सैली और सुजन इंजन से उतर कर उस टनल के अंदर घुस जाती है। वहाँ छुपी आर्मी उन पर गोली चलाने वाली होती है। तभी सुजन जोर जोर से पोयम शुरू कर देती है। तो सैनिक समझ जाते हैं कि ये नॉर्मल इंसान है। वो सैनिक उन्हें अपने पास बुलाते हैं और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है।